हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉजिकल एडवाइस में। मैं हूं सुमित और आज मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वेरियस जो चार्जेस बैंक आपसे लेती है साल भर में उनके बारे में जानकारी। जितने भी आपके अकाउंट में से चार्जेस कटते हैं सर्विस चार्जेस सब चार्जेस की जानकारी मैं इस वीडियो में आप बताऊंगा और आप इन चार्जेस से कैसे बच सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। सो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो दोस्तों, हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं एटीएम कार्ड से। जैसे हम यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट करते तो ओपन करते तो हमको यहाँ पे एक डेबिट कार्ड मिल जाता है बैंक की तरफ से। तो उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तीन टाइप के डेबिट कार्ड यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे रही है, वो है यहाँ पे नॉर्मल, क्लासिक, ग्लोबल। ये हो जाएगा एक आपका, इसका जो इश्योरेंस चार्ज है दोस्तों यहाँ पे ₹0 है, आपको फ्री में डेबिट कार्ड मिल जाएगा। दूसरा जो आ रहा है यहाँ पे गोल्ड डेबिट कार्ड, उसका ₹100 इंक्लूडिंग GST चार्ज है। और यहाँ पे प्लेटिनम डेबिट कार्ड जो है यहाँ पे उसका ₹306 चार्ज है प्लस GST। तो आपको यहाँ पे ये जो चार्जेस है यहाँ पे इश्योरेंस चार्जेस है, आपको सिर्फ नॉर्मल, क्लासिक, ग्लोबल ये दोनों का मतलब दो टाइप्स के कार्ड है उनको यहाँ पे चार्ज नहीं लगेगा। और यहाँ पे जब आप कार्ड इशू करोगे तो एक साल के बाद आपको यहाँ पे एक साल तक तो ये फ्री रहेगा, फिर एक साल बाद आपको यहाँ पे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ेंगे सेकेंड ईयर से। मतलब आप जैसे दूसरे साल का मई महीना आएगा आपका अकाउंट में से चार्ज कटेगा, तो आपका जो दूसरा चार्ज है क्लासिक डेबिट कार्ड जो है अपना उसके लिए ₹100 प्लस GST यहाँ पे कटता है। सिल्वर, ग्लोबल और युवा गोल्ड डेबिट कार्ड का यहाँ पे ₹150 चार्ज करता है प्लस GST। और यहाँ पे प्लैटिनम डेबिट कार्ड का यहाँ पे ₹200 चार्ज करता है प्लस GST। और यहाँ पे प्राइम प्रीमियम बिजनेस डेबिट कार्ड का यहाँ पे चार्ज करता है ₹300 प्लस GST। आप इनमें से आपका कौन सा कार्ड है वो देख लो दोस्तों, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा आपका कितना चार्ज कटने वाला है। और अगर आप आपका यहाँ पे डेबिट कार्ड खराब हो जाता है तो आपको यहाँ पे ₹204 यहाँ पे चार्ज लगेगा। ऊपर में से कौन सा भी डेबिट कार्ड रिप्लेस करने के लिए आपको यहाँ पे ₹204 का चार्ज लगेगा प्लस GST। मतलब यहाँ पे एक ही चार्ज है रिप्लेसमेंट के लिए ₹204। आपका अगर क्लासिक कार्ड भी यहाँ पे अगर खो जाता है तो आपको यहाँ पे ₹204 देने पड़ेंगे। यहाँ पे डुप्लीकेट पिन जनरेशन, अगर आपको यहाँ पे पिन अगर आप भूल जाते हो तो आपको यहाँ पे ₹51 प्लस GST का आपको चार्ज देना पड़ेगा बैंक को यहाँ पे पिन को रीसेट करने के लिए। सो नेक्स्ट जो आ रहा है दोस्तों यहाँ पे एटीएम के आप एटीएम विड्रॉल चार्ज रहते हो, तो अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से अगर पैसे निकालते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पैसे निकालने को मिलेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट कितने भी बार आप यहाँ पे आप पैसे निकाल सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से। पर अगर आप यहाँ पे अदर बैंक के एटीएम यूज़ करते हो तो आपको अप टू 5 ट्रांजेक्शन फ्री रहेंगे हर महीने में। आप 5 ट्रांजेक्शन फ्री कर सकते हो दूसरे कौन से भी बैंक के ATMs में, मतलब कौन से भी डिफरेंट 5 ATMs आप यूज़ कर सकते हो, 5 बार निकाल सकते हो पैसे। 6 बार निकालने जाओगे तो आपको यहाँ पे चार्ज लगेगा। डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन मतलब इंडिया में, सिर्फ ओनली इंडिया में जब अगर ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको यहाँ पे ये चार्जेस लगेंगे। अदर बैंक अगर आप 5 ट्रांजेक्शन से ज़्यादा करते हो तो आपको यहाँ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रहेगा। अगर आप पैसे निकालोगे तो 6 ट्रांजेक्शन को तो आपको ₹17 प्लस GST चार्ज लगेगा। और यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए मतलब अगर बैलेंस चेक करते हो या मिनी स्टेटमेंट निकालते हो तो आपको यहाँ पे ₹6 चार्ज लगेगा। यहाँ पे इसके अंदर GST ऐड करके यहाँ पे ये चार्जेस दिए गए हैं ₹17 और ₹6। सो नेक्स्ट चार्जेस आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे पेनल्टी चार्जेस। मतलब मिनिमम बैलेंस अगर आप नहीं रखते हो तो आपको यहाँ पे चार्ज लगेंगे। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पे तीन टाइप है, मेट्रो और अर्बन ब्रांच, सेमी अर्बन ब्रांच और यहाँ पे रूरल ब्रांच। तीन टाइप के ब्रांच है, आप अपने ब्रांच के हिसाब से देख लेना आपकी ब्रांच कौन से एरिया में आ रही है। सो अगर आपकी ब्रांच अगर मेट्रो और अर्बन ब्रांच में है तो आपको यहाँ पे मिनिमम ₹3000 पर मंथ यहाँ पे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। मतलब पूरे महीने में एक बार भी आपका बैलेंस 3000 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर आप मेंटेन करने में कामयाब हो जाते हो तो आपको यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ पे शॉर्टफॉल अगर 50% से अगर आप कम बैलेंस आप रख पाते हो, मतलब ₹1500 तक आपका अगर बैलेंस रहता है तो आपको यहाँ पे ₹10 प्लस GST देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 50-75% तक चार्ज मतलब पैसे रख पाते हो अपने अकाउंट में ₹3000 के तो आपको यहाँ पे ₹10 चार्ज लगेगा। और अगर 75% से ज़्यादा कम पैसे आप रखते हो तो आपको ₹15 प्लस GST चार्ज लगेगा। ये रहेगा अपना मेट्रो अर्बन ब्रांच के लिए। सो अब बात करते हैं यहाँ पे सेमी अर्बन ब्रांच की, तो हमको यहाँ पे ₹2000 मिनिमम रखने पड़ेंगे। अगर आप 50% से ज़्यादा कम अगर आप पैसे रखते हो तो आपको यहाँ पे 50% से कम अगर रखोगे तो आपको 7.50 पैसे यहाँ पे GST लगेगा। अगर मतलब यहाँ पे ₹1000 अगर आप रखते हो तो आपको यहाँ पे ₹8 हर महीने लगेंगे, ₹8 प्लस GST। शॉर्ट फॉर 50-75, अगर आप ₹500 से मतलब ज़्यादा और ₹1000 से कम अगर बैलेंस रखते हो तो आपको यहाँ पे ₹10 प्लस GST लगेगा ₹1000 से कम रखोगे तो। और अगर आप ₹500 से कम यहाँ पे बैलेंस रखोगे तो आपको ₹12 प्लस GST चार्ज देना पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। ये हो गया आपके अगर आपके ब्रांच
अर्बन ए सेमी अर्बन एरिया में है तो, अगर आपकी ब्रांच यहाँ पे रूरल एरिया में, तो आपको यहाँ पे 1000 रुपीज मिनिमम मेंटेन करने पड़ेंगे। और यहाँ पे जो अगर आप 500 रुपये से कम बैलेंस रखते हो तो आपको यहाँ पे 5 रुपीज़ प्लस GST चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 500 रुपये से 250 रुपये 500 रुपये से नीचे और 250 रुपये से ज़्यादा बैलेंस रखते हो तो आपको यहाँ पे 750 रुपये यहाँ पे बैलेंस चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे 250 रुपये से भी कम अगर बैलेंस रखते हो तो आपको यहाँ पे 10 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। सो ये हो गए आपके यहाँ पे मिनिमम बैलेंस के चार्जेस। अब आते हैं यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र चार्जेस। यहाँ पे IMPS और NEFT दो टाइप रहते हैं, तो अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन बैंकिंग करते हो तो आपको आप इन चार्जेस आपको लग सकते हैं। सो अप टू 1000 रुपीज़ अगर आप सेंड कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 0 चार्जेस लगेंगे। IMPS जो है वो 24/7 यहाँ पे अवेलेबल रहता है, IMPS और NEFT। सो IMPS जो होता है इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र होता है, और NEFT जो होता है उसको थोड़ा वक्त लगता है। तो अगर आप 1000 रुपये तक ट्रांसफ़र करते हो तो आपको यहाँ पे फ्री में होंगे। अगर 1000 से 10000 तक ट्रांसफ़र करते हो तो आपको 1 रुपये चार्ज लगेगा प्लस GST, और 10000 से 1 लाख तक करते हो तो 2 रुपये प्लस GST, और यहाँ पे 1 लाख से 2 लाख तक अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको यहाँ पे 3 रुपये प्लस GST यहाँ पे चार्ज देना पड़ सकता है। अगर NFT की बात करें तो हमको यहाँ पे अप टू 10,000 ऊपर रुपीज़ अगर हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे तो हमको यहाँ पे 2.50 रुपीज़ चार्ज लगेगा। और यहाँ पे अप टू 1 लाख रुपीज़ अगर आप ट्रांसफ़र करते हो तो आपको 5 रुपीज़ चार्ज लगेगा। और यहाँ पे अबव अगर 1 लाख से 2 लाख के बीच में अगर आप ट्रांसफ़र करते हो तो आपको यहाँ पे 15 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ सकता है। और यहाँ पे अगर आप 2 लाख रुपीज़ से ज़्यादा ट्रांसफ़र करते हो तो आपको यहाँ पे 25 रुपीज़ प्लस GST यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। सो दोस्तों ये थे कुछ ट्रांजेक्शन चार्जेस और यहाँ पे ATM चार्जेस जो मैंने आपको बताया दोस्तों। और इसके अलावा यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हर महीने 3 महीने में एक बार यहाँ पे SMS चार्ज भी काटती है। अगर आपको SMS चार्ज बंद करवाना चाहते हो तो आप यहाँ पे बैंक को फ़ोन लगा के SMS चार्ज को बंद करवा सकते हो। वो 3 महीने में एक बार यहाँ पे आपके अकाउंट में से 15 रुपीज़ प्लस GST ऐसे पैसे काटती है। और ये जो थे यहाँ पे जनरल सेविंग अकाउंट के लिए ये मैंने आपको ट्रांजेक्शन चार्जेस बताए। अगर आपका जनधन योजना वगैरह और अगर सीनियर सिटीजन अकाउंट है तो आपको यहाँ पे चार्जेस नहीं रहेंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे 25,000 रुपीज़ से ज़्यादा का अगर बैलेंस रखने में कामयाब हो जाते हो आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में तो आपको यहाँ पे कोई भी ATM ट्रांजेक्शन का चार्ज नहीं लगेगा। आपको यहाँ पे एनुअल ATM की मेंटेनेंस की फ़ीस भी नहीं लगेगी अगर आप 25,000 रुपीज़ से ज़्यादा बैलेंस अगर एक महीने में रखते हो आपके बैंक अकाउंट में। सो दोस्तों ये था आज के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।